मात्र एक महीने में अगर आप इस नुस्खे को अपने बालों में लगा लेंगे तो कसम से आपके बाल तेजी से इतने घने हो जाएंगे, इतने लंबे हो जाएंगे और इतने ज़्यादा हो जाएंगे, गंजेपन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बालों की सभी समस्याएं कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। तो गाइस, इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है, कैसे अपने बालों में लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है, इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बालों के लिए एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसके जरिए आपके बालों की हेयर ग्रोथ तेजी से घनी होगी। बाल तेजी से इतने लंबे घने होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बनाना का। आपको भी एक बनाना लेना है और देखिए अगर आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो ये कैसे आपके बालों की हेयर ग्रोथ को दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ाने का काम शुरू कर देगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस बनाने का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको बनाने का छिलका उतार लेना होगा और आपको अपने बालों में लगाने के लिए मात्र आधा बनाना ही लेना होगा। इस तरह से आप आधा बनाना ले लीजिए। इसके बाद आपको इसका एकदम से स्मूथ पेस्ट बना लेना होगा। देखिए गाइस, बनाना का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आपको भी इस तरह से इसका एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को तेजी से मजबूत करता है, बालों को तेजी से घना बनाने का कार्य करता है। देखिए गाइस, हमारा ये पेस्ट एकदम स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आपको लेना है एक टमाटर। आपको गाइस यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर को लेना है और इसके बाद आप इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स इसका जो रस है वो घुल जाए और इजिली बाहर आ जाए। देखिए, दबाने से एकदम ही पिलपिला हो चुका है। इसके बाद आपको इसमें एक छेद कर लेना होगा। इस तरह से आप इसमें एक होल कीजिए और इसके बाद आप इसे दबाइएगा। दबाने से फ्रेंड्स इसका रस बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा। देखिए गाइस, बहुत अच्छी मात्रा में इसका रस निकल चुका है। बचे हुए टमाटर को आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारे बालों को तेजी से मजबूती देता है, घना बनाता है, बालों की जड़ों में स्कैल्फ को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे बाल तेजी से लंबे काले घने होने लग जाते हैं। मात्र 2 चम्मच आप इसमें सरसों का तेल ऐड कर दीजिएगा। देखिए गाइस, कितनी अच्छी मात्रा में और कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार है। आपको इतना करना है कि इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए, मसाज कीजिए 15 से 20 मिनट की। उसके बाद पूरे बालों में लगाकर आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप अपने बालों को बांधकर 2 घंटे इसे अपने बालों में लगा रहने दें। अगर महीने में मात्र एक बार भी आप इसका यूज़ कर लेंगे तो आपके बालों को तेज़ी से घना होने से, तेज़ी से लंबा होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं तो इस नुस्खे का जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।